मिष्ठान भी बटेगा और महाराज कृष्णदेव राय भी अवश्य आएंगे। आएंगे आएंगे महाराज आएंगे 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 आएंगे। एक और तीर, डरो मत, ये तीर नकली है। मत भाई, मत भाई। शारदा महोदया, तुम्हारे मुख से तो उठा लो ही शोभा देता है। चिंतित मत हो, कुछ नहीं होगा। अम्मा, अम्मा, महाराज कृष्णदेव राय ने अपने आगमन की सूचना भेजी है मुझे। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे विश्वास की जीत होगी। महारानी, इसकी मुर्गी ने मेरी दुकान में आकर जितने भी हानि की है अनाज की, उसकी भरपाई इसे करनी ही होगी। नहीं नहीं महारानी, मैंने तो मुर्गी को मना किया था कि इनकी दुकान में मत जाना, किंतु वो फिर से चली गई। इसमें मेरा क्या दोष है? महारानी जी, जिसकी मुर्गी उसका दोष। मुझे न्याय चाहिए बस। न्याय मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये पंडित रामाकृष्णा जी कहाँ रह गए? कहीं वो महाराज कृष्णदेव राय की पहेली तो नहीं बूझ रहे? पंडित रामाकृष्णा जी अभी तक नहीं आए। नहीं महारानी, नहीं आए। महारानी, ये पंडित रामाकृष्णा का दरबार से गायब रहना या फिर दरबार में विलंब से आना, ये आम बात हो गई। आप चिंता मत कीजिए महारानी, हम मुर्गी को न्याय दिलवाएंगे। गुरु जी आप बोल गए, मुर्गी को न्याय नहीं दिलवाना है, इस मनुष्य को न्याय दिलवाना है। हाँ वही बात है। जब मनुष्य और मुर्गी की बात चल रही हो तो गधों को शांत रहना चाहिए। मुर्गी किसकी? मेरी मुर्गी थी, इनके दुकान में घुसी थी। तो तुम्हारी मुर्गी ने इसकी दुकान में घुसकर इसका अनाज खाया? हाँ। ये तो गड़बड़ है, अब इसकी तू भरपाई करनी होगी। देखो ऐसा है, जब तुम्हारी मुर्गी अंडा देगी तो वो अंडा तुम इसको दे दोगी, क्योंकि महारानी वो जो मुर्गी ने अंडा दिया है वो इसका अनाज खाकर दिया है ना, तो उस अंडे पर इसका अधिकार हो गया है, तो बस हो गया न्याय। ये कैसा न्याय है महारानी जी? हमें तो पंडित रामाकृष्ण ही न्याय दिला सकते हैं। कहाँ है वो? है, पंडित रामाकृष्ण न्याय दिलवाएंगे। हमारे बिना आज तक उन्होंने कोई भी समस्या नहीं सुलझाई है। ऐसे ही सब कहते रहते हैं, समस्या विकट रामा प्रकट, समस्या विकट रामा प्रकट। अब देखिए समस्या सामने खड़ी है, तो पंडित रामाकृष्णा अब तक प्रकट क्यों नहीं हुए? महारानी, महारानी, मैंने कहा था ना, मेरा अनुमान सही निकला। अब मुझे 100% विश्वास हो गया है कि हमारे महाराज कृष्णदेव राय वापस आ रहे हैं। महाराज आ रहे हैं? कहीं विजयनगर पहुंच तो नहीं गए? महाराज कृष्णदेव राय विजयनगर आ गए? पंडित रामाकृष्णा, हम आपका मुंह मोती चूर के लड्डुओं से भर देंगे, भर देंगे। कितनी शुभ सूचना लेकर आए हैं हम। कब आ रहे हैं महाराज? कहाँ है महाराज कृष्णदेव राय, कहाँ है, बोलिए। गुरुवर, महाराज अभी नहीं आए हैं। तेरी की। महाराज कृष्णदेव राय अभी नहीं आए तो क्या हुआ, किंतु वो आने वाले हैं। पंडित रामाकृष्णा जी, आप ये बात इतने आश्वस्त होकर कैसे कह सकते? क्योंकि महारानी, उन्होंने पुनः एक चिट्ठी भेजी है। पंडित रामाकृष्णा जी, क्या लिखा उस चिट्ठी में? महारानी, उस चिट्ठी में पुनः एक पहेली भेजी गई है, जिसे यदि सुलझा दिया गया तब तो महाराज आएंगे, अन्यथा नहीं। कहिए पंडित रामाकृष्णा जी, क्या है वो पहेली? जी महारानी, वो पहेली है, जीवित मछली वृक्ष पर चढ़े। जीवित मछली वृक्ष पर चढ़े, हैं? मछली वृक्ष पर चढ़े, उछले कूदे गिरे पड़े, जल बिन ना तड़पे, अपितु आए उसे आनंद बढ़े, वृक्ष पर ही सदैव आवास करे, अपना घर ना जाने क्यों वनवास लगे, दिन हो या रात अपना घर कारावास लगे, जब भई छाऊं उसे मैं ढूंढ पाऊं, समय का ना रहे कोई पहरा, अंधकार हो या रहे उजाला, उसकी सुनहरी चमक का रहे बसेरा, अपने समक्ष हमें तभी पाओगे
यदि एक दिवस में ये कृत्य कर दिखलाओगे। समय कम है, समय कम है तो कौन सी बड़ी बात है पंडित रामकृष्ण जी, हमारे गुरु जी ने तो पहले ही कहा है कोई भी पहेली हो क्षण भर में सुलझा देंगे। हाँ गुरुवर, आपसे बहुत आशाएं हैं, बूझिए ना इस पहेली को। हाँ, अत्यंत सरल है महारानी पहेली का हल, इसका उत्तर तो हमारी जीवा पर है। अभी निकला तो अभी निकला, किंतु हम बताएंगे नहीं। हाँ? क्योंकि ये महाराज के विजयनगर आगमन से संबंधित है, तो इसे हमें गंभीरता से लेना है। हम इस पर विचार विमर्श करेंगे, उसके पश्चात कल हम इसका उत्तर देंगे, दे देंगे। जीवित मछली का वृक्ष पे चढ़ना ये असंभव कार्य, भला महाराज कृष्णदेव राय ऐसी पहेली कैसे पूछ सकते, और वो स्वयं हम सबकी समक्ष क्यों नहीं आ जाते, ऐसे कैसे हो सकता है आप ही बताइए। हमें तो लगता है कि कोई और ही है जो उनके नाम पे हम सबके साथ परिहास कर रहा है। महारानी सत्य कहा आपने, हमें भी ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज कृष्णदेव राय के नाम पर कोई भ्रांति फैला रहा है। क्षमा करें महारानी, संभव है कि आपकी बात सत्य हो, किंतु ये भी तो संभव हो सकता है ना कि ये चिट्ठी स्वयं महाराज श्री कृष्णदेव राय ने ही भेजी हो, कहीं हम इसे किसी का परिहास समझकर पुनः एक बार अपने प्रिय महाराज को खो ना बैठे। समय बहुत कम है, हमें एक ही दिवस में इस पहेली को बूझना होगा, अन्यथा महाराज नहीं आएंगे। और राज दरबार में उठाई गई इन समस्याओं का क्या, न्याय की पुकार करते इन लोगों का क्या? नहीं नहीं पंडित रामकृष्ण, आप हमारे विषय में विचार ना करें, महाराज कृष्णदेव राय के आगमन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, इनकी मुर्गी मेरी दुकान पे आके चाहे जितना अनाज खा जाए मुझे कोई चिंता नहीं है, किंतु आप समय बीतने से पूर्व पहेली का हल ढूंढ लीजिए। बहुत अच्छे, क्योंकि अगर विजयनगर में हमारे पूजनीय महाराज का आगमन हो जाएगा तो संपूर्ण विजयनगर में वैसे भी कोई समस्या नहीं रह पाएगी। सत्य वचन। बोलो महाराज कृष्णदेव राय की जय। 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 क्या करूं, कैसे इस पहेली का हल खोजूं? अरे सूरज, इस प्रकार क्यों हंस रहे हो? अब क्या बताऊं पंडित जी, बात ही हंसने वाली है। आपके जो महाराज हैं कृष्णदेव राय, मैंने तो सुना था कि अत्यंत शूरवीर व्यक्ति हैं, उनकी बुद्धिमता के भी कई किस्से सुने थे, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वन में जाकर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तभी तो ऐसे बालकों की भांति हट करके बैठ गए हैं कि पहले पहेली बूझो अन्यथा वापस नहीं लौटूंगा। और फिर ये पहेली भी क्या है कि मछली को पेड़ पे चढ़ा दो। अब जब तुमने महाराज की बुद्धिमता के विषय में बात की है तो तुम्हें बताना चाहूंगा कि महाराज ने मुझे एक अद्भुत युक्ति बताई थी, सोच रहा हूँ तुम्हें बता दूं। कैसी युक्ति? ऐसी युक्ति जिसे जानने के पश्चात तुम्हें किसी की बुराई करने का मन ही नहीं करेगा। अच्छा? हाँ, जरा अपने दोनों हाथ अपनी कमर के पीछे लो, ले जाओ ले जाओ, ये लीजिए। ये आपने क्या किया पंडित जी? तुमने युक्ति सिखाई, देखो अब यदि तुम हिले तो तलवार की धार तुम्हें काट डालेगी, फिर तुम्हारा मन किसी की बुराई करने का नहीं करेगा, है ना अद्भुत युक्ति? और एक बात, इस युक्ति को सीखने के पश्चात मनुष्य का क्षमा मांगने का भी मन करता है, तुम्हारा भी अवश्य कर रहा होगा। मैं आपका अर्थ समझ गया पंडित जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, पुनः ऐसी भूल नहीं होगी। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशां न समाचरेत, हाथ जो जैसा हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। शात्थे शात्यम समाचरेत, ये बात भी मेरे महाराज श्री कृष्ण देव राय ने ही मुझे सिखाई थी कि मनुष्य के साथ वैसा ही व्यवहार करो जिस योग्य वो हो।
और क्योंकि तुम बलशाली हो तो मैंने तुम्हारे साथ बल का प्रयोग किया, क्योंकि मनुष्य को जो भाषा समझ में आती हो उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। ये बात भी मुझे मेरे महाराज ने सिखाई थी कि संसार, ये सृष्टि, मेरा परिवार, ये राजमहल, मेरी पदवी, मेरे महाराज श्री कृष्ण देव राय इन सबसे कहीं बढ़कर है मेरे लिए। उनके लिए बल तो क्या, मैं अस्त्र शस्त्र का प्रयोग भी कर सकता हूँ, अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता हूँ, किंतु उनके सम्मान पर कभी आंच नहीं आने दे सकता। और रही बात महाराज द्वारा पूछी गई पहेली की, तो महाराज के हर कृत्य के पीछे कारण, कारण के पीछे तर्क, तर्क के पीछे दृष्टि, और ऐसी दूरदृष्टि होती है जो तुम्हारे मेरे जैसों की समझ के परे है। मंदु कितनी सुंदर लग रही हो। शीघ्र, अति शीघ्र हम दोनों मंदु राजगुरु बनने वाले हैं। राजगुरु? हाँ। तुम दोनों? हाँ। वो कैसे? वो जो मछली वाली पहेली है ना, उसे हम दोनों बड़ी आसानी से बूझ लेंगे, और फिर उसके बाद वो कपटी पाखंडी बुड्ढा है ना, सेवक बन के हमारी सेवा करेगा, और फिर हम बन जाएंगे राजगुरु। मंदु राजगुरु। हुचुकुचु धनी मेरे बच्चे, क्या कहा था तुमने? बुढ़ाओ मनी, क्या बोले थे तुम? दुष्ट बुढ़ाओ। मंदु मंदु क्या कह रहे थे? हाँ? हमारी प्रेषी को मंदु मंदु कहते हो? मंदु मार डालेंगे हम तुम्हें। मंदु क्या है ये? तुम हमारी प्रेषी होकर इन दोनों गधों की बातों में कैसे आ गई? गधा कह रहे? आप जैसे से ये गधे ही अच्छे हैं। जब भी आते हैं मेरे लिए कोई ना कोई उपहार तो लेके आते हैं। एक उपहार क्या, हम तो तुम्हें उपहारों से लाद देंगे। ऐसी आशंका है कि महाराज श्री कृष्ण देव राय वापस आ रहे हैं, और वो पहले के रूप में जो संदेश था वो संदेश हमने यूं दो पल में बूझ लिया। बिल्कुल पूछ लिया था गुरुजी ने, किंतु पंडित रामकृष्ण के पहले को पूछने के पश्चात वाले दो पल में। ए चुप रहो धुरता, उस पहेली को तो कोई बुद्धिहीन भी पूछ लेगा। अभी देखो कैसे हमारी मंदु उस पहेली को पूछती है। अच्छा? हाँ। तू आप क्या कहना चाहते हैं गुरुजी? मंदाकिनी देवी बुद्धिहीन है? नहीं, चलो हमारी बात सुनो। मंदाकिनी को बुद्धिहीन का निकलिए। यहाँ पे तब आना जब पंडित रामकृष्ण से पहले पहली बुझा पाओ। नहीं मंदु, चलो निकलो यार। अरे हम तुम्हारे तत्वों नहीं, चलो निकलो। ऐसी तो कोई मछली नहीं होती है जो वृक्ष पर चढ़े, कूदे, खेले और वहीं अपना आवास बना ले। कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे जीवित मछली को वृक्ष पर चढ़ाऊं? कैसी पहेली दे दी है महाराज ने? असंभव है ये, असंभव। अरे कोई नहीं कर सकता। दिन ता दिन दिन तक तक दिन दिन ता दिन दिन तक तक दिन ता दिन दिन तक। अरे गधो, मछली को वृक्ष पर जो चढ़ाना है। सोच रहे गुरुजी, सोच रहे, किंतु आप हमारी खोपड़ी पर ये तबला वादन क्यों कर रहे? टक 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 दिन 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 दिन। ढोलक है क्या हम? अरे गधो, हमने सुना है कि खोपड़ी पर तबला वादन करने से मस्तिष्क तीव्र गति से दौड़ता है। ऐसा? मेरी सोच कहती है नेक काम में देरी किस बात की। महारानी, संदेह है हमें, ये महाराज कृष्ण देव राय नहीं, अभी तो कोई और है।
जो इस तरह की भ्रांति फैला रहा है। चुप रहिए आप, मत भूलिए कि महाराज कृष्णदेव राय वहां से गायब हो चुके। उनका गायब होना और इस प्रकार संदेश आना, ये अवश्य ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संभवतः ये महाराज कृष्णदेव राय ही है जो इस प्रकार की पहेली पूछ रहे हैं। महारानी, यदि वो महाराज कृष्णदेव राय हैं भी, तब भी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो पहेली पूछी गई है उसे सुलझाना असंभव है। आप भूल रहे हैं कि वो पंडित रामा कृष्णा है, पहेली बूझना उनके लिए कठिन हो सकता है किंतु असंभव नहीं। आप भूल गए, आप अपने गुरु बाल योगी विद्वान बाल पंडित को यहाँ लेकर आए थे, उन्होंने कोई कम कठिन पहेलियां नहीं पूछी थी। भरकम को इस लोटे के भीतर डाल के दिखाना है, कोई तर्क है? कुछ भी हो जाए, कुछ भी, महाराज कृष्णदेव राय यहां वापस नहीं आने चाहिए। हे मां, मेरा हृदय कहता है कि मेरे महाराज मेरे बहुत निकट हैं। इस पहेली का हल महाराज श्री कृष्ण देव राय के आगमन से ही जुड़ा है। 20 वर्ष बीत गए माँ, किंतु एक क्षण के लिए भी महाराज की स्मृति चिन्ह मेरे मस्तिष्क से ओझल नहीं हुई। एक क्षण भी नहीं बीता जब महाराज से मिलने की आस ना रही हो। मेरी सहायता करना, मैं अब अपने महाराज को खोना नहीं चाहता, मैं अब उन्हें खोना नहीं चाहता माँ। उठा लो अम्मा, वैद्य जी ने मिष्ठान खाने से मना किया है ना? जब देखो मुझे मिष्ठान खाने से मना करती है, कोई और कार्य नहीं है क्या? यह कार्य जाके निपटा जा। अम्मा, दिन भर चपटी के भांति मैं पिस्तू घर का कार्य करने में और लड्डू आप खाएंगी? नहीं अम्मा, लड्डू मुझे भी चाहिए। तू जता रही है कि तू चक्की की भांति घर का कार्य करती है? नहीं अम्मा, जता नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। जितने कार्य तू करती है उतने कार्य मैं भी करती हूँ। वो कैसे? देख, तू भोजन पकाती है, मैं खाती हूँ, तू कपड़े धोती है, मैं पहनती हूँ, तू कुएं से पानी निकालती है, मैं स्नान करती हूँ। बिना कार्य आधे आधे, तुझसे एक कार्य कम नहीं करती मैं। उठा लो। क्या उठा लूं? अरे अपने कान से पर्दे उठा लीजिए, सुना नहीं आपने अम्मा ने क्या कहा? इसी कारण तो हंस रहा हूँ। दिन भर समस्त गृह का कार्य मैं करती हूँ और उसका आधा श्रेय अम्मा ले रही है। ये तो वही बात हुई ना कि कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, सीधे पकड़ो या घुमाकर पकड़ो, फंसी तो मैं ही ना। क्या कहा, फिर से कहो। उठा लो। नहीं नहीं, उठा लो के पहले क्या कहा? यही, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, सीधे पकड़ो या घुमाकर पकड़ो, फंसी तो मैं ही ना। शारदा महोदया, अब तो सच में तुम्हें उठाने का मन कर रहा है। अरे अम्मा, तुम्हें ज्ञात नहीं है शारदा ने मेरी कितनी बड़ी समस्या का हल निकाल दिया है। तुम्हें जितने लड्डू खाने उतने लड्डू खाओ, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे, सीधा पकड़ो या घुमा के। मिल गया मुझे मेरी पहेली का उत्तर, मिल गया। अब तो मछली वृक्ष पर चढ़ेगी भी और वहीं रहेगी। हमारे मित्र पंडित रामाकृष्ण ने ये तो पूछ लिया कि चिट्ठी भेजने वाले हम हैं, किंतु हमारे द्वारा भेजी गई दूसरी चिट्ठी ने हमारे मित्र पंडित रामाकृष्ण के सामने एक ऐसी चुनौती रख दी जिसको हल करना आसान नहीं है। अब देखते हैं अपने महाराज तक पहुंचने के लिए पंडित रामाकृष्ण मछली को पेड़ पर कैसे चढ़ाते हैं।